अब जनरली तो मंगलवार को करते थे, आज सोमवार को कर रहे हैं कि लोगों को लगे सनसनी, लेकिन होगा कुछ नहीं। ढाक का तिनपात कहीं कुछ नहीं होना है। इनके कैबिनेट के लोग जब इनके नियंत्रण में ही नहीं रह गए तो क्या कैबिनेट की बैठक करेंगे, कुछ होना नहीं है, बस टाइम पास। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। देखिए तो कैसे करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, कोई मंत्री उनके नियंत्रण में है? और मंत्री जिस तरह से सरकार का भद पिटवा रहे हैं, अब देखिए जिस तरह से उनके शिक्षा मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं तो वो धर्म पर ज्ञान बांट रहे हैं, तो हर जगह सरकार की निंदा हो रही है और इनके तमाम मंत्री बेलगाम हो गए हैं। देखिए जब सत्ता पे बैठे हुए लोग खुद जब बहक जाएंगे, जब उनके कदम डगमगाने लगेंगे, तो लोग कैसे उनके नियंत्रण में रहेंगे? नीतीश कुमार जी के नियंत्रण से न सिर्फ उनकी सरकार बल्कि पूरी बिहार उनके नियंत्रण से बाहर है, और ऐसे में एक एक दिन बिहार के लिए मुश्किल भरा बीत रहा है और ये बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय है। 4 तारीख को तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी है। हाँ तो अब तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा मांगना चाहिए ना, अब क्या हुआ? उस समय तो इसी को आधार बना करके और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया था, अब कहाँ गया उनकी नैतिकता, कहाँ गया उनका मापदंड? तो ऐसे नहीं चलेगा, उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए, उनको तो इस्तीफा मांगना चाहिए तेजस्वी जी से। तो उनको कोर्ट से बुलाया आया है और देख लीजिएगा, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए जब जो किए हैं उसका फल प्रतिफल तो भुगतना पड़ेगा, ये तो लोकतंत्र में कोई बच नहीं सकता है। यहाँ कोई दूसरे के कर्मों का फल थोड़े आपको मिल रहा है, आपने जो किया है, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने पूर्व में जो किया है उसका प्रतिफल आपको भुगतना है। और नीतीश कुमार जी जो सुशासन की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कहाँ गया उनकी नैतिकता? तो बिहार की जनता तो सवाल कर रही है, देखिए अब कुछ नहीं बचा, बिहार परिवर्तन के दहलीज पर है और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, हम लड़ाई लड़ेंगे और बिहार को मुक्त करेंगे। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव या ललन सिंह कौन फंसा रहा है? देखिए कोई किसी को फंसाता नहीं है, अपने कर्मों से ये फंस रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कोर्ट को संज्ञान में देने का, तो ये तो ललन सिंह जी ने ही ना दिया था, आज उनके सबसे करीबी बने हुए हैं और महागठबंधन के लेकर के बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो उन्होंने ही तो दिया था, तमाम साक्ष्य तो उन्होंने उपलब्ध कराया था। तो आज जो कुछ भी हुआ है तो उनसे पूछे ना कि वो साक्ष्य कहाँ से लाए, कौन इनको फंसाया है? कोई नहीं फंसाया, जदयू वालों ने साक्ष्य उपलब्ध किया है और उसी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने जो है इन पर कार्रवाई किया है, सम्मन जारी किया है, तो सब कुछ तो ये लोग खुद कर रहे हैं, भाजपा इसमें कहीं नहीं है। नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री क्यों? ये तो हास्यास्पद है। ये देखिए एक सिंगल व्यक्ति इस देश में जो उम्मीदवार बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले संयोजक बनने की, महागठबंधन जो ठगबंधन बना है, कौन घमंडिया गठबंधन, तो उसके संयोजक बनने की लड़ाई पहले लड़ रहे थे, अब ये जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनके तरह बहुत सारे लोग हैं जो अंदर अंदर इस लड़ाई में शामिल हैं, खुद को दावेदार बता रहे हैं, उनके दल के लोग खुद तो नहीं बोल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की जो बैठक हुई तो उनके नेता कह रहे हैं कि भाई पीएम मटेरियल सबसे अच्छा केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सबसे प्रबल दावेदार ममता बनर्जी जी हैं, और नीतीश कुमार जी तो भाई यूनिवर्सल है, ये तो क्लाइमेट लीडर हैं। यानी कि तो बारात निकल गए लेकिन दूल्हा का पता नहीं। ये कोई बारात नहीं है, ये बैंड बाजा लेकर के ऐसे ही सड़कों पर भटक रहे हैं, किसी की न शादी है न किसी की सगाई है, न ये कोई बाराती है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड हैं। और ये लोग सिर्फ एक व्यक्ति को रोकने के लिए, जो व्यक्ति देश के मान सम्मान के परचम को बढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को रोकने के लिए नकारात्मक संकल्पों के साथ इन लोगों ने महागठबंधन किया है। चुनाव के पहले ही इनका महागठबंधन टूट कर बिखर जाएगा, आप देखते रहिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई फोर्म्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।